तो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल मशीन। दोस्तों, आज में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्राइंडर व्हील्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आज आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि कितने प्रकार के आखिर ग्राइंडर व्हील होते हैं और कटिंग व्हील होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कटिंग व्हील है, तो इससे दोस्तों हम कटर मशीन में यूज करते हैं। ये दोस्तों बेसिकली 14 इंच का आता है और इससे बड़ा या छोटा भी आता है। तो हम लोग ज़्यादातर यूज ये, मतलब कि लोग ये ही यूज करते हैं, तो इसको मतलब हम लोग दोस्तों कटर मशीन के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अब मेरे हाथ में आप लोग को ये कटिंग भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों बेसिकली 4 इंच के ग्राइंडर में हम लोग को लगाते हैं इसको। तो ये दोस्तों पतले जगह पर कटिंग वटिंग करने के लिए हम लोग को यूज होता है। जहाँ पर मतलब कि हम कटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर भी ये जाकर ये कटिंग कर सकता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक चलाना होता है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं वीडियो में आपको। ये भी 4 इंच का ही ग्राइंडर व्हील है, पर ऐसा होता है कि वेल्डिंग जाड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो उसको घसने के लिए हम लोग को हटाने के लिए वहाँ पे इसका काम आता है दोस्तों। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर सीट्स पे, मतलब कि इसको यूज करने के लिए हम लोग ज़्यादातर फिनिशिंग दिखाने के लिए, मतलब अच्छा स्मूथ दिखाने के लिए डिश हम लोग यूज करते हैं। 120 का डिश होता है ग्रिट ये दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट ये आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 120 का ये भी डिश है। और ये भी दोस्तों हम लोग ग्राइंडर व्हील की तरह इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी स्मूथ बहुत ही होता है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरीके से। में आप लोग देख रहे हैं ये दोस्तों 60 का होता है। ये बहुत ही जाड़ा वेल्डिंग या कितना भी जल्दी घसना हो इसको, इससे हम लोग घस सकते हैं। इससे बहुत जल्दी फिनिशिंग हो जाता है। जो भी दोस्तों आप लोग व्हील यूज करें, उसको यूज करते टाइम आप लोगों को हर एक चीज का सेफ्टी का होना बहुत ही जरूरी होगा। जैसे कि आप लोग का गॉगल होना चाहिए और हेलमेट होना चाहिए आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद से आपके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रख के, और उसके बाद से और एक चीज़ आप लोगों को रखना चाहिए। बेसिकली इस टाइम तो सभी लोग मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मास्क भी यूज करना बहुत ही ज़रूरी होगा। यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो दोस्तों वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।